ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा, पिता और करियर का कारक माना जाता है। कुंडली में सूर्य ग्रह के मजबूत होने से जातक अपने जीवन में खूब तरक्की करता है। समाज में व्यक्ति को खूब मान सम्मान मिलता है। कमजोर सूर्य से व्यक्ति दर दर भटकता है। कहने का आशय यह है कि व्यक्ति को कारोबार में मन मुताबिक सफलता नहीं मिलती है। कई अवसर पर नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। ज्योतिषियों की माने तो पिताजी की सेवा करने से कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है। ज्योतिषियों की माने तो चैत्र अमावस्या तिथि पर सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इस साल 8 अप्रैल को चैत्र अमावस्या है। साल का यह पहला सूर्य ग्रहण है। भारत में यह दिखाई नहीं देगा, लेकिन अमेरिका समेत कई देशों में पूर्ण रूपेण दिखाई देगा। इसके लिए भारत में सूतक नहीं लगेगा। मेष राशि के जातक चैत्र अमावस्या के दिन लाल रंग के वस्त्र का दान करें। वृषभ राशि के जातक सूर्य ग्रहण के दिन चावल, चीनी और दूध का दान करें। मिथुन राशि के जातक सूर्य देव की कृपा पाने हेतु साबुत मूंग का दान करें। कर्क राशि के जातक चैत्र अमावस्या पर सफेद रंग के वस्त्र का दान करें। सिंह राशि के जातक ग्रहण के बाद गुड़, मूंगफली और मसूर दाल का दान करें। कन्या राशि के जातक चैत्र अमावस्या पर मौसमी फल एवं सब्जी का दान करें। तुला राशि के जातक सूर्य ग्रहण के बाद खीर बनाकर लोगों के मध्य वितरित करें। धनु राशि के जातक अमावस्या पर केसर युक्त दूध राहगीरों के मध्य वितरित करें। मकर राशि के जातक ग्रहण के बाद शनि मंदिर में काले तिल और तेल भेंट करें। कुंभ राशि के जातक सूर्य ग्रहण के बाद गरीबों के मध्य कपड़े एवं चप्पल का दान करें। मीन राशि के जातक चैत्र अमावस्या पर केले, बेसन के लड्डू और पेड़े का दान करें।